और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल पर अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने जनरल बिपिन रावत के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा और स्मारक स्थल साहस और वीरता के लिए युवाओं को प्रेरित करेगी और इस दौरान उन्होंने सैनिकों के हितों में किए जा रहे कामों का जिक्र भी किया। और आपको बता दें कि अब से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार जनरल के कामों को उनकी बातों को याद कर चुके हैं। और ये जो काम कर धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनावरण किया, युवाओं को प्रेरित करेगी जनरल रावत की प्रतिमा, ये बात उन्होंने कही। उनके योगदान को याद किया, पूर्व सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया, पूर्व सीडीएस की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही कहा कि जो हमारे देश के युवा हैं वो प्रेरित होंगे आगे के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारे देश में किस तरीके से योगदान देना है, आज के युवाओं को वो प्रेरित होंगे। लाल थे और उनकी प्रतिमा उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया और संपूर्ण जीवन भर फौज में जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल भारत माता की सेवा करी, अपने आप को हमेशा उसमें लगाए रखा। और उन्होंने अपने अनेकों संबोधनों में जिस प्रकार से देश के नौजवानों को सेना में भर्ती होने वालों के लिए कहा था कि सेना केवल और केवल वेतन लेने का मात्र साधन नहीं है, सेना एक जज्बात है, सेना एक पराक्रम है, सेना एक संस्कार है और सेना एक जीवन राष्ट्र के लिए कैसे दिया जाता है वह भी सिखाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा माध्यम है।